हेलो फ्रेंड्स, सब आज पबजी के ऊपर और वीडियो बना ही रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको पता चले और पबजी वालों को थोड़ा सा मेरे से सहानुभूति हो जाए। भैया मेरी भी वीडियो थोड़ा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करा करो। पहली बात यह है कि ये पबजी जो बैन हुआ है उसके जो बनाने वाले उनसे मेरे को सहानुभूति है। थोड़ी सी निगेटिव बता रहा हूँ, पर आप सुनिए और देखिए, मजा आएगा। कि पहले उन्होंने जो नाम रखा पबजी, इससे हमारे जो युवा वर्ग है उनको एक थोड़ा सा कल्चर के बारे में पता चला। क्या? जी लगाना। जी लगाना ये कोई कल्चर है? हाँ जी, हमारे यहाँ जी लगाना कल्चर ही है ना। तो अब इन्होंने पब जी लगाने शुरू कर दिया। अब जब वो पब जाते हैं तो वो जी नहीं रहता है, तो वो उस पब जाना भी छोड़ दिए। इससे क्या हुआ, भारत के सरकार ने दो एक तीर से दो निशाना मार दिया। एक तो पबजी छुड़वा दिया और दूसरा पब जाना छुड़वा दिया। शायद हो सकता है कुछ खबर ये है पबजी लवर के लिए एक नया गेम आया है जिसका नाम है फॉर जी। इसको अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। मुझे लगता है अक्षय कुमार भी इस पे इन्वेस्टर है या कोई ना कोई पार्टिसिपेंट है। इसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 20% हमारे कुछ वेलफेयर के लिए जाएगा, शायद फौजियों के वेलफेयर के लिए जाएगा। चलिए इसके लिए तो मैं चीयर्स देता हूँ। दूसरी बात ये है, ये गेम लगभग गलवान वैली में जो हमारे चाइना के साथ जो झगड़ा हुआ था उसका भी एक इंसिडेंट डाला हुआ है ताकि आपको उस क्रॉस करना पड़ेगा। अक्टूबर लास्ट तक ये शायद रिलीज हो जाए गेम। और मुझे लगता है मैं इसके पोस्टर को देख के काफ़ी एक्साइटेड हूँ और पबजी लवर्स के लिए काफ़ी खुश हूँ। अब इसमें मैंने एक बोला कि भारत ने एक तीर से दो निशाना मारा। इसमें ये है कि जो भारत का जो तीर है, निशाना है, जो जीडीपी का, वो लगभग डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, लगभग 24% है, भी चिंताजनक स्थिति है, पूरे विश्व में सबसे कम है। हो सकता है हम जल्दी रिकवरी करें, पर आज के दिन ये चिंताजनक स्थिति है। जीडीपी से याद आया, हमारा जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंट रहता है और हमारा जो घर है वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। हर हस्बैंड को इसी एग्रीकल्चर के ऊपर चलना पड़ता है ताकि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक पीस बना रहे। इससे एक चीज याद आया, जिनेवा कन्वेंशन। अब जिनेवा कन्वेंशन क्या है? जिनेवा, अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन एवरी प्रिजनर हैज टू बी फेड। लाइक हर वाइफ को अपने हस्बैंड को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन में बोला गया भाई कि एवरी प्रिजनर हैज टू बी फेड। चलो इस बंदे को सुनो। व्हाई शुड वाइफ कुक फॉर द हस्बैंड्स? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द जिनेवा कन्वेंशन All prisoners must be fed. अब जब वाइफ हस्बैंड को खिलाती है तो वो किचन में जाती है तो बात निकल के आती है, रसोड़ी में कौन था? चढ़ा दिया। देखिए इस वीडियो को, बहुत मजा आएगा। मैं जब जूस मेरी साड़ी पे गिर गई थी नहाने गई थी, तो मेरे पीछे आई थी। तुम किचन में गई थी और कुकर से चने को निकाल के कुकर को गैस पे चढ़ा दिया। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। ये राशि। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। ये वायरल हो चुका है। जिस बंदे ने ये वीडियो बनाया, म्यूजिक के काफी क्रिएटिव है और उन्होंने ये वीडियो बनाया। आज दो कई साल से वो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। आज इनका जो एक वीडियो ने इनको पूरे यूट्यूब में वायरल कर चुका है। सारे लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, इस ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह फेमस हो चुके हैं। इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं न्यूज़ चैनल पे। सोचिए इतने मेहनत करते 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 आज उनको 2 साल, माने उनके जो 2 साल पुरानी वीडियो है वो भी मिलियंस ऑफ व्यूज में जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई हर वीडियो देख रहा है, क्योंकि क्रिएटिविटी पहले किसी ने देखी नहीं। YouTube बहुत टाइम बाद कभी भी कोई वीडियो वायरल होती है, उसके बाद आपके आजू बाजू के जितने वीडियो आपने पहले डाले हैं वो भी आगे चलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से
ये बंदा भी सक्सेस हो गया। और मैंने YouTube के लिए पहले भी एक बनाया है कि भैया आपको अगर YouTube में सक्सेस होना है तो वीडियो बनाते रहिए, पोस्ट करते रहिए, और देखिए एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका वीडियो भी कोई वायरल होगा। अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो सक्सेस आपको मिल रही है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को प्रमोट कीजिएगा, हो सके उतनी जगह आप पहुँचे। और तब तक के लिए मैं बोलता हूँ आपको बाय। Are you listening? Damn.